मैं कपड़े नहीं पहन पाती थी, इनका शोल्डर उठता ही नहीं था। तो दीदी मैंने 28 किलो वेट कम किया, 28 kg। हेल्थ से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए देखते रहिए अंतःस्यो। आज की वीडियो में हम आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स दूर करने वाले हैं डाइट से रिलेटेड, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अंतःस्यो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो बहुत स्पेशल, क्योंकि बहुत सी महिलाओं की रिक्वेस्ट है कि हमें कन्फ्यूजन रहता है हम क्या खाएं क्या ना खाएं। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं 7-day डाइट प्लान। तो चलते हैं वीडियो की ओर। आइए सबसे पहला कन्फ्यूजन हम आपका दूर करते हैं चपाती को लेकर। देखिए दो तरह की चपाती है, कलर में डिफरेंस दिखाई दे रहा है, एक चपाती का कलर ग्रीन है दूसरी का वाइट, लेकिन ये चपाती भी पूरी तरह पकी नहीं हुई। हम सोचते हैं कि रोटी पक गई है, लेकिन बीच बीच में आप वाइट खाली देख रहे हैं, ये अनपका काब्स है जो पूरी तरह पका नहीं है। और ये जब कच्चा काब्स हमारे पेट में हमारे इंटेस्टाइन में जाता है तो हमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है। तो कोशिश करें सर्दियों में इस चपाती के बजाय आप ये देख रहे हैं ग्रीन कलर, तो आप कोशिश करें मेथी की चपाती, पालक की चपाती या घिया चपाती का, आपने ये प्लेन चपाती नहीं खानी। ठीक है, रोटी को लेके आपका कंफ्यूजन दूर जब भी कोशिश करें। और दूसरी बात खाने का तरीका, इस रोटी को आपने छोटे छोटे टुकड़े जैसे बीच में से तोड़ो, इसके दो भाग कीजिए, फिर से दो भाग कीजिए, कम से कम आपको ये चपाती इससे ज्यादा बड़ी बाइट नहीं लेनी। और अगर हो सकता है तो इसकी भी दो बाइट करके और इसको सैलड बीच में रखकर, सैलड देखिए कच्ची सैलड, अगर आपका बहुत ज्यादा ओवरवेट है तो आप कोशिश कीजिए, वैसे तो आप दाल के साथ भी खा सकते हैं, ये बॉइल्ड दाल है, हल्का सा तड़का लगाकर बहुत थोड़े घी में सिर्फ हींग डालकर, हींग और गर्म मसाला डालकर, लेकिन कोशिश कीजिए जैसा आप देख रहे हैं अभी इसके साथ ये साउंड देख रहे हैं आप, कच्ची चपाती खाने का बीच में सैलड रखकर इसको कम से कम आप 32 times च्यू करें जब तक इसका मुंह में पानी नहीं बन जाता। ये बात हमने पहले भी अपनी वीडियो में शेयर की है कि हम बहुत तनाव में और जल्दी जल्दी बड़े बड़े गस्से लेकर खाते हैं, तो आप कोशिश कीजिए जब तक आपका फूड पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं हो जाता तब तक उसे गले से नीचे नहीं उतारना। पहला कन्फ्यूजन दूर चपाती को लेकर, सब्जियों को लेकर कि आप कोशिश कीजिए अगर आपका बहुत ज़्यादा ओवरवेट है तो आप अनकुक्ड वेजिटेबल, हल्का सा पनीर का भी इतना पीस है, छोटा सा पनीर का पीस लें, कंफ्यूजन दूर हुआ चपाती को लेकर। वेजिटेबल्स को देखे, देखिए धीरे धीरे इनको देखे, कॉर्न को देखे, जितना चबाकर जितना रिलैक्स होकर खाएंगे उतना ही स्वास्थ्य प्राप्त होगा। तो कोशिश करें बिल्कुल शांत मन से, और जब भी खाना खाने की शुरुआत करें रिलैक्स होकर एक बार प्रभु को धन्यवाद करते हुए, और पूरे खाने की वैरायटी को देखकर, देखिए रेड कलर प्रकृति ने दिया है, वाइट कलर, ग्रीन कलर, तो सभी अलग अलग कलरों का, ग्रीन कलर देखिए कितना सुंदर। जब तक इस फूड को देखेंगे नहीं तब तक आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि ये फूड मेरे लिए कितना हेल्दी और अनकुक्ड फूड है। ये देखिए अनकुक्ड फूड, एक बार चबाकर देखिए इसे, आपने वेजिटेबल्स भी खानी है तो रॉ वेजिटेबल्स, क्यों, क्योंकि इनकी वैल्यू सिर्फ जितना मर्जी आप खा लीजिए सिर्फ 20 कैलोरीज है। इसकी कैलोरी फॉरिक मूल्य इसकी कैलोरीज 100 है, तो आप कोशिश कीजिए अपना कम से कम में काम चलाना है तो आप इसको खाइए। दूसरे नंबर पर आता है फ्रूट्स, फ्रूट्स में देखिए शरीफा, ऐसे ही सभी फ्रूट्स में तकरीबन 80-100 कैलोरीज होती है। तो हमारा जो फर्स्ट डे होता है वो हमारा होता है फ्रूट डाइट। बहुत से लोग कहते हैं कि बनाना नहीं खाना चाहिए, चीकू नहीं खाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन आप फ्रूट डाइट ले रहे हैं उस दिन आप सभी फ्रूट्स खा सकते हैं, बनाना भी खा सकते हैं, नाशपाती, अमरूद और ये शरीफा,
आप कोई भी फ्रूट्स लीजिए, अगर आपका माइंड अलाउ नहीं कर रहा है मंडे के दिन फुल डे फ्रूट फास्ट का, तो आप कोशिश कीजिए आधा दिन आप ये वाली एक ग्रीन चपाती ले सकते हैं, जिनका माइंड प्रिपेयर नहीं हुआ। वैसे हम माइंड को प्रिपेयर करने के लिए दो दिन के शिविर में भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, उसके लिए कुछ साधनाएं करनी बहुत जरूरी होती हैं, कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं, कुछ पेट के आकार को छोटा करने के लिए कुछ साधनाएं होती हैं, तो उसके लिए आपको बहुत जरूरी है पहले अपने माइंड को प्रिपेयर करें। कोई भी फूड हमने जबरदस्ती नहीं खाना है। सेकेंड डे हमारा होता है ऑयल फ्री डाइट। आप बॉइल्ड राइस, बॉइल्ड दाल और ये स्प्राउट्स आप कुछ भी ले सकते हैं, उसके साथ आप मैक्सिमम इस चीज को एड ऑन करके टमाटर कोई भी सैलेड ऑन करके आप बिल्कुल ऑयल फ्री डाइट को आप पेट भर के खा सकते हैं। तो कोशिश कीजिए दूसरा दिन ऑयल फ्री डाइट। तीसरा दिन हमारा होता है ग्रीन डाइट। ग्रीन डाइट में आपने उस दिन सिर्फ आपने ग्रीन चीजें खानी है। आप कोशिश कीजिए पूरे दिन में एक बार नमक खाइए आप पेट भर के। आप एक की जगह दो चपाती भी ले सकते हैं ग्रीन डाइट में। एक बार फुल मील लेकर अपना बाकी दिन आप फ्रूट्स या बाकी रॉ वेजिटेबल्स ले सकते हैं। फोर्थ डे हमारा होता है सॉल्ट फ्री डाइट। उसमें आपने सिर्फ कर्ड, आपने उस दिन ये सब्जियां नहीं खानी, ड्राई फ्रूट ले सकते हैं लेकिन उस दिन आपने सिर्फ ये कर्ड के साथ प्लेन चपाती। प्लेन चपाती का मतलब ये नहीं कि ये वाली चपाती, आप कोई भी चपाती ले सकते हैं लेकिन उसमें आपने सॉल्ट को ऐड नहीं करना है। तो फोर्थ डे हमारा हुआ सॉल्ट फ्री डाइट। और फिफ्थ डे हमारा हुआ सूजी डाइट। अभी मेरे पास सूजी अवेलेबल नहीं है लेकिन उस दिन आप सूजी का उपमा या उत्पम या वेजिटेबल इडली कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए उस दिन दो बार नमक से ज्यादा नहीं खाना, दो बार सॉल्ट लेना है बस। तो कोशिश कीजिए एक बार मॉर्निंग में वेजिटेबल इडली खा लीजिए और सेकेंड टाइम आप उत्पम ले लीजिए नॉनस्टिक पर। और पांचवा दिन होता है हमारा पुलाव डाइट। लोग कहते हैं चावल नहीं खाना चाहिए लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ चावल के साथ आपने दाल नहीं खानी, आपने कढ़ी नहीं खानी, आपने छोले नहीं खाने, आपने क्या खाना है दही। दही और चावल ले सकते हैं और दूसरी बार में थोड़े से चावल इतने सैलड ये इतनी सारी उसको मिक्स करके खाइए। और सेवन डे आप बिल्कुल अपने आप को फ्री रखिए, चीट डे। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको, अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। और इसी डाइट से हमारी यूट्यूब जो फॉलो कर रहे हैं उन्होंने शेयर किया था, उन्होंने 3.5 किलो वजन कम किया है। और दूसरा मेंबर हमारा इवनिंग सेशन में है, उन्होंने 2 किलो 800 ग्राम लॉस किया है। तो अगर आप भी वेट लॉस करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए इस डाइट प्लान को फॉलो करने की। नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। एक चीज और आपकी जानकारी के लिए, आपने कोई भी डिब्बा बंद चीज नहीं खानी है। अगर बहुत ज्यादा आपको जरूरत लगती है तो आप ये न्यूट्री चॉइस ले सकते हैं। चाय के साथ आप 2 बिस्किट ये ले सकते हैं कभी भी, या दूसरी बात जब भी आपको भूख लगी आप रोस्टेड बादाम ले सकते हैं, मुनक्का ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं। इस 7 डे डाइट प्लान में आप इन चीजों को कभी भी ऐड कर सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। लास्ट सेशन में तो ऐसा लगता है आंखें बंद करके ही रहूं। मुझे सिर्फ पानी पीने का तरीका जानना था, बाकी तो आपका मैं फॉलो कर रही हूँ। इट इज वंडरफुल एंड पर आपको देख के बहुत, मतलब एक पॉजिटिविटी मिल रही है आपसे, आपको देख के। फ्रेंकली स्पीकिंग हिमाली, पानी तो है, कहाँ से हो आप, कौन सी सिटी से हो? मैं मुंबई से हूँ, मुंबई से, कांदिवली। एंड आई एम फॉलोइंग यू रेगुलरली एंड योर टिप्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर मी। और मैं खुद भी एक योगा टीचर हूँ, इट्स वेरी हेल्पफुल टू मी, फ्रेंकली स्पीकिंग। बहुत अच्छी बात है कि आप खुद योगा टीचर हो और आपने हमारा सेशन अटेंड किया, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपसे तो बहुत कुछ सीखना है, मुझे बहुत कुछ सीखना है, बस आपका आशीर्वाद बना रहे। 4-5 स्टूडेंट्स का इतना एक्सपीरियंस है पर आपका तो बहुत ही कुछ और ही होगा। हजारों हजारों स्टूडेंट्स इसीलिए सो नो, आपसे तो बहुत कुछ सीखना है, आपसे तो बहुत कुछ सीखना है। आप लाइक यू आर माई थर्ड गुरु। डाइट को लेकर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और एक बात का ध्यान रहे, जो हमारी पुलाव डाइट है वो 5th डे नहीं, वो 6th डे है। और 7th डे हमारी है चीट डाइट। तो देखते रहिए, स्वस्थ रहिए। अंतस्योग।